प्रीपोजिशन में हम लोग करेंगे एन और इन का प्रयोग फॉर प्लेस यानी स्थान के लिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एन और इन का प्रयोग किस स्थान के नाम के पहले होता है। तो चलो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग बड़े बड़े शहर, राज, देश, महादेश के नाम के पहले होता है। इनका प्रयोग बड़े बड़े शहर, राज, देश और महादेश के नाम के पहले होता है, परंतु एट का प्रयोग छोटे छोटे शहर, गांव, कस्बा एवं पता के पहले होता है। आइए हम यहाँ देखते हैं इन इज यूज बिफोर नेम ऑफ ए टाउन, स्टेट, कंट्री और कंटिनेंट। एंड एप इज यूज बिफोर ए स्मॉल विलेज, ए स्मॉल टाउन, एड्रेस। फिर से एक बार समझें, इन का प्रयोग बड़े बड़े शहर मीन्स बिग टाउन, देश कंट्री, स्टेट राज, कंटिनेंट महादेश के नाम के पहले होता है, जबकि एट का प्रयोग स्मॉल विलेज, स्मॉल टाउन, कॉलोनी, एड्रेस के पहले होता है। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सीता लिव्स डरडर पटना। पटना एक बड़ा शहर है, इसीलिए इसके पहले क्या होगा, इन होगा। अगर हम कहते हैं राम लिव्स डरडर रामपुर, तब इसमें क्या होगा, एट होगा, क्योंकि रामपुर एक छोटा सा गांव का नाम है। अगर कहते हैं करण लिव्स डरडर मधुबनी, मधुबनी एक छोटा सा शहर है, इसीलिए इसके पहले लगेगा एट। अगर कहते हैं मनीष लिव्स डरडर पिपराही, तो पिपराही नाम से ही पता चलता है किसी छोटा सा गांव का नाम होगा, इसलिए यहां पर लगेगा एट। अगर कहते हैं वी लीव डरडर अमेरिका, तो यहां पर फिर क्या लगेगा, तो यहां पर इन लगेगा, क्योंकि तो अमेरिका एक देश का नाम है। अगर कहते हैं रानी लिव्स डरडर बिहार, तो फिर इसमें इन लगेगा, क्योंकि यह एक राज्य का नाम है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला वीडियो हम फिर डालेंगे। थैंक यू।